फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरी वन। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्दी। टुडे सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। तो आपको ये इंग्लिश ग्रामर की टेक्स्ट बुक निकालनी है। ओपन योर इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 26 निकालना है और चैप्टर 6 हम पढ़ेंगे। वन एंड मोर देन वन। वन मीन्स क्या होता है? सिंगुलर। वन मीन्स सिंगुलर। और मोर देन वंस, तो मोर देन वन मीन्स एक से ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं? प्लूलर बोलते हैं। और वन को क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। नाउ काउंट एंड राइट हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स यू कैन सी। देखो, आपको ये पिक को ध्यान से देखना है और उसमें कितने हैं, कितनी थिंग्स है वो आपको बताना है। देखो, वास, तो वास कितने हैं? वन, एक ही है, एक ही है, तो यहाँ पे वन लिखना है। फ्लावर्स, तो फ्लावर्स कितने हैं? सिक्स, तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो यहाँ पे आपको 6 की स्पेलिंग लिखनी है। रोज़, तो रोज़ कितने हैं? 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे 3 की स्पेलिंग लिखेंगे। रोज़ के नीचे जो ब्लैंक्स है वहाँ पे आपको 3 की स्पेलिंग लिखनी है। फिर लीली, तो लीली कितने हैं? 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे भी आपको 3 की स्पेलिंग लिखनी है। इन द पिक्चर वी कैन सी दैट नेमिंग वर्ड्स कैन बी वन और मोर देन वन। नेमिंग वर्ड्स भी कितने होते हैं? वन भी हो सकते हैं और मोर देन वन। वन वास, तो देखो वास कितने हैं? वन, तो यहाँ पे वन वास। मोर देन वन लिली, लिली 3 है, तो मोर देन वन मीन्स एक से ज़्यादा है। मोर देन वन रोज, रोज भी वन से ज़्यादा है, 3 है। मोर देन वन फ्लावर, फ्लावर्स कितने हैं? 6, तो मोर देन वन फ्लावर। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली देन टिक राइट ऑन द करेक्ट बॉक्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखो यहाँ पे ये बेड, बेड में कितने बॉय है? 1, तो 1 के आगे राइट की टिक मार्क लगाइए। यहाँ पे देखो फ्लैग, तो कितने हैं? 1 है कि मोर देन 1, तो यहाँ पे कितने हैं? 3 है, तो मोर देन 1, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? राइट की टिक मार्क लगानी है। फिर पिजन, पिजन कितने हैं? 2, तो 1 में नहीं लगाएंगे, मोर देन 1, तो यहाँ पे हम राइट की टिक मार्क लगाएंगे। ये आर्मी मैन, तो कितने हैं? 1 या मोर देन 1, तो 1 ही है, तो यहाँ 1 वाले बॉक्स में हमें राइट करना है। फिर यहाँ पे बिल्डिंग, हाउस कितने हैं? 1 है कि मोर देन 1, तो यहाँ पे ज़्यादा है, तो मोर देन 1 में हमें क्या करना है? राइट की टिक मार्क लगानी है। हाउ डू वी चेंज 1 इंटू मोर देन 1? हम 1 में से मोर देन 1, सिंगुलर में से प्लूलर कैसे बना सकते हैं वो हमें सीखना है। तो वी कैन चेंज सम वर्ड्स फ्रॉम 1 इंटू मोर देन 1 बाय एडिंग एस आफ्टर मोस्ट नेमिंग वर्ड्स। तो हमें क्या करना है? जो नेमिंग वर्ड्स है उसके पीछे एस लगा देना है। तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर में से प्लूलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगुलर में से प्लूलर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बलून, ये एक है, तो हम क्या बोलते हैं? बलून। और ये कितने हैं? 4, मोर देन 1, तो क्या हो गया? बलून्स। बलून की स्पेलिंग के पीछे आपको सिर्फ एस लगा देना है। ये बी डबल ई बी, तो यहाँ पे 1 बी है और यहाँ पे ज़्यादा है, मोर देन 1, तो बी के पीछे एस लगाया तो क्या हो गया? 20। अब यहाँ पे है बुक, बी डबल ओ के बुक, एक ही बुक है और यहाँ पे 3 बुक है, तो बुक, बुक्स, बुक का क्या हो गया प्लूलर? बुक्स। यहाँ पे 1 एप्पल है, तो एप्पल, और यहाँ पे मोर देन 1, 1 से ज़्यादा है, तो क्या करना है? एप्पल्स। तो देखो बलून, बलून्स, बी, बीस, बुक, बुक्स, एप्पल, एप्पल्स। ईएस आफ्टर सम नेमिंग वर्ड्स, कई ऐसे नेमिंग वर्ड्स हैं उसके पीछे हमें सिंगुलर में से प्लूलर बनाने के लिए एस की जगह ई एस लगाना पड़ता है। क्या करना है? एस की जगह ई एस लगाना है। देखो यहाँ पे है बस, बी यू एस, बस, तो यहाँ पे उसका प्लूलर क्या होगा? बसेस। क्या होगा? बसेस। फिर यहाँ पे है वॉच, तो वॉच का प्लूलर क्या होता है? वॉचेस। वॉच की स्पेलिंग के पीछे आपको क्या करना है? ई एस लगाना है। ड्रेस, तो उसका
वन ड्रेस है तो ड्रेस, और वन से ज़्यादा है तो ड्रेसेस। हाउस, तो हाउस का क्या होगा? हाउसेस। तो बस, बसेस। वॉच, वॉचेस। ड्रेस, ड्रेसेस। हाउस, हाउसेस। लुक एट द पिक्चर राइट, हाउ मैनी थिंग्स यू कैन सी इन द पिक्चर। अब देखो यहाँ पे कितने बॉक्स है? थ्री। तो यहाँ पे लिखा है थ्री बॉक्सेस। यहाँ पे डोर कितने हैं? वन। तो यहाँ पे हमें लिखना है वन डोर, ओ एन ई वन डी डबल ओ आर डोर, डी डबल ओ आर डोर। और यहाँ पे वन, यहाँ पे देखो कितनी डिशेस है? सिक्स है। काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो यहाँ पे हमें लिखना है सिक्स डिशेस। क्या लिखेंगे? सिक्स डिशेस। यहाँ पे केक कितनी है? वन। तो यहाँ पे लिखना है वन केक। और यहाँ पे किटन कितनी है? फाइव। तो यहाँ पे हमें लिखना है फाइव किटन्स। यहाँ पे क्या लिखना है? फाइव किटन्स लिखना है हमें। ऐसे हम लिखेंगे फाइव किटन्स। और यहाँ पे वन केक है तो ओ एन ई वन, और केक की स्पेलिंग लिखनी है सी ए के ई केक। तो हमें ये याद रखना है, डू रिमेंबर दैट वन इज चेंज इनटू मोर देन वन बाय एडिंग एस और ई एस टू द नेमिंग वर्ड्स। तो हमें सिंगुलर में से प्लूलर बनाने के लिए क्या करना है? एस और ई एस ऐड करना है। जो नेमिंग वर्ड से उसके पीछे हमें एस और ई एस ऐड करना है। अब एक्सरसाइज देखते हैं, सर्कल द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखो वन सिक्स फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल विल कम टू माई पार्टी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स है तो क्या होगा? वन नहीं होगा, सिक्स होंगे। तो यहाँ पे सिक्स की स्पेलिंग के बाजू में सर्कल किया है। कैन वी टच द एनिमल एनिमल्स एट द जू। यहाँ पे वी है तो यहाँ पे क्या आएगा? एनिमल्स। कैन वी टच द एनिमल्स एट द जू, क्या हम जू में एनिमल को टच कर सकते हैं? सेकेंड, आई नीड टू वॉश माई फेस विथ दैट सोप या सॉप्स। तो हम यहाँ पे क्या आएगा? सोप। सोप मीन्स साबुन। थ्री, डू यू नो दोज वन टू पीपल। यहाँ पे दोज है तो दोज क्या होता है? प्लूलर। दैट का प्लूलर होता है दोज। तो यहाँ पे क्या करना है? टू के पास सर्कल करना है। आई बॉल ऑल द वन नाइन बॉल्स। तो बॉल्स है तो बॉल्स क्या हुआ? प्लूलर। तो वन नहीं होगा, क्या होगा? नाइन होगा। अब हम क्रॉसवर्ड देखते हैं, पजल। लुक एट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। द पजल हैज वर्ड्स विच आर मोर देन वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। फाइंड देम एंड ड्रॉ अ सर्कल अराउंड देम। अब देखो एंड, तो एंड की स्पेलिंग कहाँ है? ये रही एंड्स। तो यहाँ पे ए एन टी एस। यहाँ पे क्या करना है? तो डिस। तो डिस का क्या होगा? डिसीज। तो यहाँ पे हमें ऐसे डिसीज की स्पेलिंग के ऐसे कर देना है। फिर यहाँ पे है कप। तो कप, कप का क्या करना है? कप्स। ये एक ही कप और ये इसका प्लूलर होगा कप्स। ये डिस और डिस का प्लूलर क्या होगा? डिसीज। ये है मेलन और मेलन का प्लूलर होगा मेलन्स। मैंने आपको दोनों बताया, सिंगुलर और प्लूलर। अब है ट्रेन। तो ये सिंगुलर में होगा ट्रेन और उसका प्लूलर होगा ट्रेन्स। अब है ग्लास। तो ग्लास का प्लूलर होता है ग्लासेस। ग्लास का प्लूलर क्या होता है? ग्लासेस। तो मैंने आपको सिंगुलर और प्लूलर दोनों में बताए। ओके, यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, बाय, थैंक यू।